बेक्ड ऑरेंज पुडिंग। मुझे चाहिए बिस्किट्स का चूरा, डाइजेस्टिव बिस्किट्स मैंने लिए हैं, आप कोई से भी ले लो। डाइजेस्टिव बिस्किट्स का चूरा मैंने लिया है और उसमें मैं डालूंगी मेल्टेड बटर लूरपाक का, बेहतरीन ब्रांड ऑफ बटर है ये, यूरोपियन ब्रांड है और हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है, इसका मुकाबले का कोई बटर नहीं है, इट्स टू गुड। आज मैंने लिया है अनसॉल्टेड, ठीक है। दो आउंस डाल दिया और थोड़ा सा और ले रही हूँ, तीन पूरा नहीं ले रही, देखूंगी फिर। ठीक है, अच्छा फिर हमें चाहिए एक प्याले में चार अंडे, ठीक है, चार अंडे हमने ले लिए एक प्याले में। उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क एक कप, इटालिया का है ये, ब्रांड है इसका मिल्काना। एक कप या एक टिन, ठीक है ये चला गया। अच्छा बटर हमारा मेल्ट हो गया है, बटर में हमने डाल दिए हैं बिस्किट्स। अच्छा आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आप बिस्किट्स को चूरा करके बटर मेल्ट करके उसमें मिला लें और मिलाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए अवन में बेक कर लें, ठीक है। मैं अवन में बेक नहीं कर रही, वजह बता रही हूँ आपको क्यों नहीं कर रही, कि मैं देखें बटर मेल्ट करने के बाद मैंने बिस्किट को उसमें मिक्स कर लिया है और मैं चूल्हे पे ही थोड़ा सा इसको क्रिस्प कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ, तो फिर मुझे अवन में 10 मिनट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, ब्रेक भी आ चुकी है, तो मैं जब तक इसको अच्छी तरह यहाँ पे प्रेस करके रेडी रखती हूँ। बन रहा है बेक्ड ऑरेंज पुडिंग, इसलिए कि आजकल कीनू बेहतरीन आए हुए हैं, तो आप फ़ायदा उठाइए और ये बनाइए, ठीक है। अच्छा, आप यही पुडिंग को मैंगो सीजन में मैंगो के साथ बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इधर एक प्याले में पहले तो बिस्किट का बेस बना लिया। कोई भी आपने बिस्किट लिए सादे, उसको आपने क्रश किया, एक से सवा कप होना चाहिए, उसमें 2.5 ounce या 3 ounce मक्खन डाला और उसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करके एक डिश में लगा लिया, या लूज़ बॉटम पैन में लगा लो। अगर लूज़ बॉटम पैन में करोगे तो आपको फिर फॉइल नीचे अच्छी तरह लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें मैंने 4 अंडे डाले, 1 tin कंडेंस मिल्क डाला, मैंने फ्रेश मिल्क डाल रही हूँ मैं 1 cup, पक्की क्रीम चीज़ डालूंगी मैं 2 tablespoons, 1 लिखी है लेकिन मैं 2 डाल रही हूँ इसलिए कि मैं क्रीम यूज़ नहीं कर रही। पक्की क्रीम चीज़, ऑरेंज जूस, एक कीनू का जूस निकाला है 1/4 cup, ऑरेंज जेस्ट, कीनू का छिलका बारीक बारीक काट लें। जिसका जूस निकाला है उसी को फ्रेश को, अंदर का सफेद पार्ट नहीं जाना चाहिए वरना कड़वा हो जाएगा आपका पुडिंग। और ऑरेंज एसेंस बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, चंद कतरे, चलें जी। अब इसको मैं कर रही हूँ बीट, ऑरेंज एसेंस, ऑरेंज जेस्ट, ऑरेंज जूस, क्रीम चीज, फ्रेश मिल्क, कंडेंस मिल्क और 4 अंडे। बस इतनी देर कि वो हर चीज मिक्स हो जाए। आराम से पानी के ऊपर रखेंगे इसको, ठीक है। एक चीज हमारी मुकम्मल हो गई। ओके, समझ आ गया, रिपीट करूं। अच्छा, देखें, 4 अंडे एक प्याले में लिए, उसमें कंडेंस मिल्क डाला 1 cup, फ्रेश मिल्क डाला 1 cup, ठीक है। ऑरेंज एसेंस फ्यू ड्रॉप्स डाले, उसके बाद में ऑरेंज जेस्ट 1 teaspoon बारीक 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 काट के 1 tablespoon आपने वो डाल दिया। क्रीम चीज़ के मैंने 2 tablespoon डाले, अगर क्रीम चीज़ का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप 2 tablespoon क्रीम डाल दो टेट्रा पैक की।
ठीक है, उसके बाद में ऑरेंज जूस क्वार्टर कप और सब कुछ हो गया। कंडेंस मिल्क मिल्काना का जो इटालिया का ब्रांड है वो पूरा एक टिन चला गया। सबको अच्छी तरह मिक्स किया। बिस्किट्स ले लें जो भी आपको पसंद है, चॉकलेट वाले नहीं लेने, कोई भी सादे बिस्किट्स लीजिए, उसको चूरा करिए, बटर मेल्ट कीजिए 2.5 से 3 आउंस लूट पाक का, और उसमें वो बिस्किट्स डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बेस में फैला दीजिए। अगर वक्त है तो 10 मिनट के लिए ओवन में 160 पे बेक कर लीजिए, अगर वक्त नहीं है तो इसी में ज़रा सा मेल्ट करके आप बेस पे बिछा दें, वो मिक्सचर फिर उसके ऊपर डाल के बेक करेंगे हम 170 पे।